दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी बहुत ही हलचल में है और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं और जितने भी लेटेस्ट अपडेशन हैं वो रेगुलरली जारी कर रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले, इवन 2 मिनट पहले ही एक और रिजल्ट जारी कर दिया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5:45 हुए हैं। वैसे तो डी ट्रिपल एस बी ने आज के दिन 7 नए नोटिस जारी किए हैं, जिसमें से 4 रिजल्ट जारी कर दिए हैं अलग अलग पोस्ट के, और इसके अलावा बाकी की जितने भी अपडेशन हैं वो शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। और कौन कौन सी पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट जारी किए हैं, क्या उनकी फाइनल कट ऑफ रही है, कौन कौन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वेटिंग पैनल के अंदर यानी वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं, और कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए हैं डी ट्रिपल एस बी ने, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी से जुड़ी हुई जितने भी लेटेस्ट अपडेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे पहले आपको यहां पर मिलती रहेंगी। अब मैं आपको एक एक करके जितने भी नोटिस जारी हुए हैं और जो भी रिजल्ट नोटिस जारी हुए हैं मैं दिखा देता हूं। दोस्तों आज का सबसे पहला नोटिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की, पोस्ट कोड है 51/13। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सबसे लेटेस्ट नोटिस है, यानी आप कह सकते हैं 2 मिनट पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया नोटिस है ये, और यहां पे डेट मेंशन की हुई है 21/10/2021। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 345 टोटल वैकेंसीज हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मेंशन की हुई है, आप यहां पे देख सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो 24/10/2019, 25/10/2019 और 23/2/2020 को ये रिटर्न एग्जामिनेशन अलग अलग तिथियों को कंडक्ट करवाए गए थे। बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 फरवरी 2021 और मार्च की अलग अलग जो डेट्स हैं उनको स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया गया था, उसके बेस पे अभी फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी 150 कैंडिडेट है जिनको सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के 82 कैंडिडेट्स हैं, एससी के हैं 46 कैंडिडेट्स और एसटी के हैं 24 कैंडिडेट्स जिनको सिलेक्ट किया गया है, आप यहां पे रोल नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो एक्स सर्विसमैन पीएचओएच कैंडिडेट्स और पीएचएचएच कैंडिडेट जिनके रोल नंबर यहां पे मेंशन किए गए हैं वो भी सिलेक्ट कर लिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स जो कट ऑफ रही है वो आप यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आउट ऑफ 200 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी की रही 137.13, ओबीसी 124.04, एससी 124.87, एसटी की है 91.16, एक्स सर्विसमैन की 72.11, ओएच की 113.6 और एचएच की है 65.38, वीएच की नहीं दी गई है, ये फाइनल कट ऑफ रही है। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पैनल लिस्ट की, यानी वेटिंग लिस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट है 35 कैंडिडेट्स और इसके अलावा बाकी के भी मैं बता देता हूं। देखिए ओबीसी कैटेगरी के 17 कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर यहां पे मेंशन किए गए हैं, और इसके अलावा किसके रोल नंबर दिए गए हैं वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। एससी कैटेगरी के हैं 11 कैंडिडेट्स, एसटी कैटेगरी के हैं 6 कैंडिडेट जिनके रोल नंबर यहां पे मेंशन किए गए हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं ओएच कैटेगरी के, ओएच कैटेगरी यानी वेटिंग लिस्ट के अंदर है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट जिनका रोल नंबर यहां पे मेंशन किया गया है, और अभी वेटिंग लिस्ट के बाद जो कट ऑफ रहने वाली है आउट ऑफ 200 मार्क्स वो यहां पे आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर दी हुई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 135.24, ओबीसी की 121.46, एससी की 123.33, एसटी की 88.21, एक्स सर्विसमैन की नहीं है और ओएच की 103.99 और एचएचवीएच की भी नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है आउट ऑफ 200 मार्क्स वेटिंग लिस्ट के बाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे नोटिस पे, तो यहां पे आप देख सकते हैं पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, पोस्ट कोड 109/20। अब इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया है, यानी जो मार्क्स हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिए गए हैं जिन भी कैंडिडेट ने इस पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन दिया था जो कंडक्ट करवाया गया था 1 अगस्त 2021 को। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज है टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी ये 2 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है। ठीक है, ये वैकेंसीज हैं जो अलग अलग दी हुई हैं। देखिए अभी जिन भी कैंडिडेट ने इस कट ऑफ को क्लियर किया है वो है टोटल 18 कैंडिडेट्स जिन्होंने या तो इस कट ऑफ के बराबर नंबर लिए हैं या इससे ज्यादा मार्क्स अचीव किए हैं। आउट ऑफ 200 मार्क्स जो कट ऑफ रही है वो आप यहां पे देख सकते हैं, अनरिजर्व की 104.06, ओबीसी है 92.89, एससी की है 91.12 कट ऑफ रही है। अब बात कर लेते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने इस कट ऑफ को क्लियर किया है वो अपने ई डोजर कब से लेकर के कब तक फिल कर सकते हैं, तो डेट यहां पे मेंशन कर दी गई है 23 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में वो अपना ई डोजर फिल कर सकते हैं, अपने अपने प्रोफाइल पे जाकर के ई डोजर लिंक है वो एक्टिवेट रहेंगे। दोस्तों उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे, पोस्ट है पीजीटी फिजिक्स फीमेल की और पोस्ट कोड है 31/20, इसका भी फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 29 हैं जो अलग अलग कैटेगरी हिसाब से यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो अभी कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए उनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीएच वीएच अनरिजर्व कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी के 10 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है, ओबीसी के हैं 10 कैंडिडेट और एससी के हैं 3 कैंडिडेट जिनको सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा चलते हैं
देखो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के भी 3 कैंडिडेट हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। और अभी कट ऑफ की तरफ चलते हैं, तो कट ऑफ क्या रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी 180.96, ईडब्ल्यूएस की 170.64, ओबीसी की 144.71, एससी की 126.34, एसटी की है 98.66, पीएच वीएच की 127.64 और पीएच ओएस की नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रोल नंबर हैं कैटेगरी के हिसाब से दिए गए हैं जिनको वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के 3 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी के 2 हैं और एससी का 1 कैंडिडेट जिसको वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है। और यहाँ पे आफ्टर वेटिंग लिस्ट जो कट ऑफ रहने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के 165.10 और अनरिजर्व के 170.64, ओबीसी के 143.46, एससी के 124.33, एसटी की नहीं है, पीएचओएच की नहीं है और पीएचवीएच की भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट के अंदर पोस्ट कोड है 104/20। इसके भी मार्क्स अपलोड कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जिन्होंने इस पोस्ट के लिए एग्जाम दिया था, जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 1 अगस्त 2021 को। ये भी आज के दिन ही जारी हुआ है। और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4 हैं जो अनरिजर्व की हैं, 2 ओबीसी की, 1 है और एससी की, 1 है। बात कर लेते हैं अभी कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, तो 155 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। उसके अलावा 18 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस कट ऑफ को क्लियर कर लिया है, जो कट ऑफ आउट ऑफ 200 मार्क्स आपको दिख रही है स्क्रीन पे। अनरिजर्व कैटेगरी की 107.5, ओबीसी की है 96.25 और एससी की है 96, ठीक है। और जिन्होंने इस कट ऑफ को क्लियर कर लिया है तो उनको अपना ई डोजर कब से लेकर कब तक फिल करना है, तो देखिए ई डोजर लिंक एक्टिवेट रहेंगे 22 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में, तो आप अपना ई डोजर फिल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे, और ये पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट ब्यूटी कल्चर की, पोस्ट कोड 102/20, ये भी आज के दिन जारी हुआ है। अब देखिए एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपने ई डोजर फिल करने पड़ेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, जो रिमार्क्स में डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, क्योंकि जब ये ई डोजर फिल किए जा रहे थे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई थी, तो उस डॉक्यूमेंट की कमी को पूरा करना है। यानी ई डोजर लिंक एक्टिवेट रहेंगे 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में, तो अपना ई डोजर यानी जो डॉक्यूमेंट इस कैंडिडेट का बताया गया है रिमार्क्स में वो अपलोड करना है ऑफिशियल प्रोफाइल पे जाकर के। इसके बाद नेक्स्ट नोटिस है और फर्स्ट रिकॉल नोटिस है। पोस्ट है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल की, पोस्ट कोड है 73/20। अब देखिए जिन कैंडिडेट्स ने ई डोजर फिल किए थे लेकिन अभी कुछ कमी रहेगी डॉक्यूमेंट्स में, उनको ई डोजर यानी दोबारा फिल करना पड़ेगा। कितने कैंडिडेट्स हैं? 14 कैंडिडेट्स हैं। कब से लेकर कब तक फिल करना पड़ेगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं 22/10/2021 से लेकर के 31/10/2021 के बीच में, यानी 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में दोबारा से लिंक एक्टिवेट रहेंगे आपकी प्रोफाइल पे। तो जितने भी कैंडिडेट जिनके रोल नंबर मेंशन यहां पे किए गए हैं उनको प्रोफाइल पे जाकर के अपना ई डोजर फिल करना पड़ेगा। और दोस्तों जितने भी नोटिस है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूं, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लास्ट नोटिस पे चलते हैं। पोस्ट है पीजीटी संस्कृत मेल की, पोस्ट कोड 76/20। फर्स्ट रिकॉल नोटिस है, जिन भी कैंडिडेट्स ने पीछे ई डोजर फिल किए थे उसमें से 11 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई, जो रिमार्क्स में यहां पे बताई गई है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो इनको दोबारा से ई डोजर लिंक पे अपना अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कब से लेकर के कब तक ई डोजर लिंक एक्टिवेट रहेंगे, तो आप यहां पे देख सकते हैं 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं अपने अपने प्रोफाइल पे जाकर के, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 नोटिस थे जो DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज के दिन जारी किए गए थे, और बाकी की जितने भी लेटेस्ट नोटिस जारी होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आगे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।